से वीडियो देख रहा हूँ, कुछ मुझे कुछ वीडियो देख के मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये जो फंडिंग थी एक किस तरह की फंडिंग थी। एक तो अमेरिका वाली फंडिंग थी, एक सऊदीया वाली फंडिंग थी, एक यूएई वाली फंडिंग थी। मुझे लगता है ये सारे देश अब नाराज़ हैं पाकिस्तान से। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये भी लगता है कि क्या 50 क्या 70 75 सालों से हम इन्हीं की वजह से चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बाबा बुलडोजर से रिलेटेड, समझ गए? स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली में भी बाबा बुलडोजर की सख्त कार्रवाई, देख पाक मीडिया सुन। दूसरा जो है वो आपको दिल्ली में बुलडोजर्स वाला देखा होगा सीन, यानी पूरी की पूरी स्टे के बावजूद वक्त भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था। चाइना ने फिर पैसे भी मांग लिए थे, तो अब देखते हैं कि अब चाइना आगे से क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ें तो बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं या चीन के साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किधर से और कौन से ममालिक कर रहे हैं। कहीं लास्ट में ये तो नहीं होगा कि हम ये सारा मलबा उठा कर और इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि जी इंडिया की तरफ से कुछ हो गया। क्या हम ये सियासी भंवर के अंदर फंस के तो नहीं रह गए कि जो बाकी ज़रूरी मामला थे मुल्क के वो पीछे रह गए और हमारी सियासत आगे हो गई? हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। कि देखें इंडिया, वहाँ आज तक कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, वहाँ कभी फौज ने वहाँ पर कब्जा ही नहीं किया, वहाँ जमहूरियत की अकदार कमाल की कमाल। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक बार फिर दिल्ली में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलने जा रहा है। इसके लिए 12 जगहों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में बाबा का बुलडोजर चलने जा रहा है। अब दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर चलने पर पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों चर्चा कर रहा है। ये भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तानी मीडिया को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ कराची में हुए आत्मघाती हमले से चीन के तेवर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पहले हुए बम धमाके में चीन ने हमसे मुआवजा मांगा था। अब पता नहीं पाकिस्तान को कितने पैसे चीन को मुआवजे के रूप में देने पड़ेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान के हालात और खराब हो सकते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और ये सब ये जो इस रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा कि रोज़ाना एक जत्था है जो कि तरावी नमाज तरावी के बाहर खड़ा होकर मुजाहरा कर रहा है, नमाज जुमा के तो मसाजिद को घेरे में लेके मुजाहरे हो रहे हैं। देखें, दो बड़े वाक़यात हुए। एक तो वह दो दिन पहले मध्य प्रदेश में 104 मुसलमानों को NSA के तहत उन्होंने बुक किया है। NSA का मतलब यह है कि यू आर गोइंग फॉर गुड। उस NSA के तहत आपको कोई मुसलमान उम्मा में से कोई शख्स नहीं बोल रहा कि ये क्या हो रहा है। कोई रिजेंटमेंट तक नहीं करता कि मुसलमानों के साथ पूरी की पूरी उम्मत के बड़े बड़े लीडर खड़े हुए, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया, ईरान से लेकर सऊदी अरब तक और सऊदी अरब से लेकर मलेशिया तक सब कुछ। दूसरा जो है वो आपको दिल्ली में बुलडोजर्स वाला देखा होगा सीन, यानी पूरी की पूरी स्टे के बावजूद कोई भी ऐसी आवाज़ जो मुसलमानों के हक में कभी बोला करती थी अब बोलना बंद हो चुकी है। देखें इंडिया, वहाँ आज तक कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, वहाँ कभी फौज ने वहाँ पर कब्जा ही नहीं किया, वहाँ जमहूरियत की अकदार कमाल की कमाल। जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं, चीन के साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किधर से और कौन से ममालिक कर रहे हैं। साहब, क्या अब भी हम लैग कर रहे हैं अपनी अलर्टनेस में,
क्या हम ये सियासी भंवर के अंदर फंस के तो नहीं रह गए कि जो बाकी जरूरी मामलात हैं मुल्क के वो पीछे रह गए और हमारी सियासत आगे हो गई? अनिका, बात यह है कि जब अनसर्टेनिटी मुल्क में हो, पॉलिटिकली अनरेस्ट हो और एक नई हुकूमत आई हो, अभी उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम ना हुई हो, उसके साथ दूसरी साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल जो है एक जलसे भी चल रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा ऐसी कुवतें फ़ायदा उठाती हैं और वी नो इट कि ये कौन है एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसमें इंडिया भी है, इसमें CIA भी है। जो ममालिक चाहते हैं कि हमारे चाइना के ताल्लुक ख़राब हो जाएँ, नंबर वन, नंबर टू CPEC हमारा कामयाब ना हो, नंबर तीन बलोचिस्तान में अनरेस्ट हो और BRI चाइना का ना बने, हमारी इधर से ये दूसरे साइड्स हैं जितने भी सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी ना हो सके, ये वो कुवतें हैं जो ये प्रॉब्लम कर रही हैं। और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि हम, एक तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्लान है, नंबर टू NECTA है, जब तक हम तमाम इंटेलिजेंसीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं, कुलेट नहीं करते हैं, डिसमिनेट नहीं करते हैं टू द रेलेवेंट क्वार्टर, जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको हम नई तरीके से चेक कर सकते हैं, तो ये इंसिडेंट होते रहे। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, हम इन लोगों को कटहरे में लाएंगे तो कटहरे में तो पहले भी नहीं लेकर आए सर, वो जो दासू डैम वाले थे उनको भी नहीं पकड़ा जा सका, उस वक्त भी इसी किस्म का तमाशा हुआ था, चाइना ने फिर पैसे भी मांग लिए थे। तो अब देखते हैं कि अब चाइना आगे से क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ें तो बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। चीमा साहब, अब कहीं लास्ट में ये तो नहीं होगा कि हम ये सारा मलबा उठा कर और इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि जी इंडिया की तरफ से कुछ हो गया है? जब अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है तो अभी हम जो है वो उस तरह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडियंस वहाँ मौजूद नहीं है, इंडियंस ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। यानी एक होता है फ़कीर, उसे कहते हैं आला ज़र्फ। आला ज़र्फ फ़कीर पता है कौन होता है? सईद भाई आपको पता है आला ज़र्फ फ़कीर कौन होता है? एक आला ज़र्फ फ़कीर होता है जो कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और एक होता है कम ज़र्फ फ़कीर, उसको आप जैसे आजकल कराची में बहुत आए हैं, कम ज़र्फ फ़कीर को आप पैसे नहीं देने, यूं करके लानत दे के जाता आप। ये कौन होता है? कम ज़र्फ फ़कीर। इसमें भीख मांगने का भी ज़र्फ नहीं होता। आपने जिन लोगों की भीख खाई, अल्लाह माफ़ करे, मैं फिर बोल रहा हूँ, रमज़ान का महीना, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी TV पे आओगे सच्ची निकलेगा मुँह से, उस चक्कर में मैं फंसा हुआ अभी तक, यकीन करो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत ज़्यादा सच मुझे फंसा रहा है। आप क्या किया? आपने कतरियों से आप भीख मांगते हो, कुवैतियों से आप भीख मांगते हो, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा, सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। भीख मांगने के बाद आप आला ज़र फ़कीर नहीं हो कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे ना। आप ज़रा अगर कोई भीख टाइम पे ना पहुंचाए तो आप उसको गाली भी बकते हो। हमने जो आला सतही चीटिंग की, अरब ममालिक से हमने $1.5 अरब तोहफे में पकड़ लिए, जब उन्होंने हमारा नाम लिया कि भाई ये मक्का मदीना बचाने के लिए आएंगे अरब सरजमीन पर, हम मार्केट से शार्ट, हम शार्ट हो गए। हमने कहा नहीं, मुफाहमत मामला, तब गुलामी नहीं, तब बेशर्मी नहीं, तब कम ज़र्फ़ी नहीं, तब आज़ाद थे ना। आपने बोला नहीं यार, हमारे तो मामलात हैं, मामला फेम है। अल्लाह का अजाब तो आएगा, जो मक्का मदीना बचाने नहीं जाओगे तो अल्लाह का अजाब तो तुम लोगों पे आएगा, पूरी कौम पे आएगा, बेफिक्र रहो, ऐसी बात नहीं है। मैं कह देता हूँ TV पे भाई, और किसी में जरूरत नहीं है, आपको जब बुलाया तो आप नहीं गए, खैर पैसे पकड़ लिए आपने $1.5 अरब, तभी कराची हो, काबुल हो, दिल्ली हो, इस तक के न्यूयॉर्क भी क्यों ना हो, आवाज़ मेरी वहाँ तक गूंजती है। ये एक बात है, मानो बंदा मैं बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल को आग लगा। एक्टर है क्या? ओके जी जनाब। अच्छा, ये वाकई सच है कि हमारा मुल्क कर्ज़ों पे चलता रहा, अब उस कर्ज़ों को भीख का नाम दें, डोनेशन का नाम दें, लोन का नाम दें, कोई सा भी नाम दें, फंडिंग का नाम दें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब से वीडियो देख रहा हूँ, कुछ वीडियो देख के मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये जो फंडिंग थी, एक किस तरह की फंडिंग थी, एक तो अमेरिका वाली फंडिंग थी, एक सऊदीया वाली फंडिंग थी, एक UAE वाली फंडिंग थी। मुझे लगता है ये सारे देश अब नाराज़ हैं पाकिस्तान से,
अच्छा, इसका मतलब मुझे ये भी लगता है कि क्या 50 क्या 70 75 सालों से हम इन्हीं की वजह से चल रहे थे, मतलब हम एक तरह से कोई स्पॉन्सर कंट्री थे, मतलब हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा था, मतलब हमारी अपनी कोई कारखाने नहीं थे, हमारी कोई अपनी फैक्ट्रियों से इनकम नहीं होती थी, हमारे कोई अपना मुल्क का इनकम का सिस्टम नहीं था, मतलब हम टोटली ले के चल रहे थे। मुझे बहुत दो तीन वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से फंडिंग पे ही चलता गया है, ये कोई नई बात नहीं है, तो मुझे पता है। जब सुनकर बहुत हैरत हुई थी, लेकिन अब तो यूज्ड हो चुके हैं। खैर, दूसरी बात ये है, मैं बस एक चीज़ ये सोच रही हूँ कि हमारा मुल्क, मतलब क्या हमारे पास पाँव नहीं थे जो हम अपने बलबूते पर नहीं चला पाए, अपनी इकोनॉमी को, अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क को तरक्की नहीं दे पाए, जो हमेशा हमें पैसाखियों की सहारे की ज़रूरत पड़ी। और अब भी ऐसा हुआ है कि ये यूएई और ये यूएसए हमारी बैसाखियाँ थी जो छिन गई हैं, और अब हम बिल्कुल मुंह के बल गिर गए। जैसे हम हर किसी से डिमांड करें कि आप हमें फंडिंग करो, आप हमें पैसे दो, आप हमें फंडिंग करो, आप हमें, अच्छा कह रहे हैं, बता रहे हैं बहुत सारी वीडियो में, तो हम बात कोई और बात तो बाद में करते हैं, उनके मिनिस्टर्स यानी हमारे मिनिस्टर्स पहले सबसे पहले डोनेशन मांग लेते हैं, पहले सबसे पहले फंडिंग मांगते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, मेरे दिल में ऐसा छुप गई अभी ये बात कि उनने कहा कि जब मक्का और मदीना को बचाने की बात आई थी तब हम पीछे हट गए थे। अच्छा, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा कुछ ऐसा कोई वाक्य हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता इस वाक्य के पीछे क्या कहानी है। लेकिन ये है कि एक न्यूज़ एंकर एक वसूख के साथ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये झूठ है, हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉलेज नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आम नागरिकों तक, जो आम आवाम तक, अब इनके सारी बातें नहीं पहुंच पाती, सारी बातें नहीं पहुंच पाती। हमारा मीडिया हमें वही दिखाता है माजरत के साथ जो बस उनको परमिशन होती है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है बहुत भरे हुए बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा था और ये घुट रहे थे अंदर, और मुझे लग रहा है ये अपने आप को हल्का कर रहे थे सच बोल बोल। आपने नोट किया, जब आप सच को छुपाते हो ना और एक अरसे तक झूठ बोलते रहते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप आलूदा हो जाते हो। आपने नोट किया कि वो कह रहे हैं कि हम फकीर भी कमजर फकीर, इतनी एक डिग्रेड करने वाली बात और इतनी एहसास दिलाने वाली बात कि एज ए नेशन। और जब मक्का मदीना पे बात आई तो हम लोग पीछे हट गए, तो साफ कह रहा है कि आप पर हम पर अजाब नहीं आएगा तो किस पर आएगा। अच्छा, जब उन्होंने कमजर फकीर कहा तो मैं सामने खिड़की देख रही थी, क्यों बस कूद जाऊँ नीचे गिर जाऊँ मर जाऊँ। अच्छा, हमारे इल्म में नहीं है ये बातें, मैं तो हैरान हूँ, हमारे इल्म में ही नहीं है ये बातें, बहुत सारी बातें यहाँ तक आती भी नहीं, सही कह रहे हैं। मैं तो बोलूँगी, पता नहीं हमें अल्लाह पाक ने चुन लिया या हमें कुदरत ने चुन लिया कि हमें हर चीज़ अब पता चल जाती है। अगर ये नहीं होता एक प्लेटफॉर्म हमारे पास इतना बड़ा, तो हमें शायद आप सजेस्ट नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या मामला है। अच्छा, ये हमारा टीवी एंकर पर्सन है, ये हमारा चैनल का एंकर पर्सन है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि इंडिया से वीडियो दिखाई जा रही है तो वो तो शायद कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, नहीं हमारा बंदा है तो वो झूठ कैसे बोलेगा, वसूख के साथ बोलेगा, प्रूफ के साथ बोलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिछले मरतबा जब वो हुआ था चाइनीज नागरिक मारे गए थे तो चाइना ने पैसे मांग लिए थे, मतलब मैं हैरान हूँ क्या लाशों पर भी या बम ब्लास्ट पर भी सौदेबाजी, कि यानी कि उस पर भी आपको जुर्माना लगेगा। अच्छा, मैंने चाइना की एक मैं ये कहूँगी एक तर्ज़ अमल कह लें या एक मैं ये कहूँगी एक इनका दिमाग ऐसा है कि मुझे लगता है लाशों पे भी पैसे, इनके नज़दीक सब कुछ पैसा है, बिल्कुल इनके नज़दीक सब कुछ पैसा है, इनको बस कमाना है, कैसे भी कैश करवाना है, अब वो लाशों को भी कैश करवाते हैं। एक खान सर की वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बाकायदा वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके आज़ा बेचे जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें आज़ा बेचे जाते हैं, यानी कि इंसानियत की इससे ज़्यादा तजलील, इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि जो लाश को भी काटे पीटे और उसके भी ऑर्गन्स को सेल करे। अच्छा, वो भी मुसलमानों के साथ हो रहा था, मुसलमानों के साथ, बड़ी तादाद मुसलमानों के साथ, और किसी भी पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ पर बात नहीं की, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि जहाँ से फंडिंग आती है तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। अच्छा, चाइना की फंडिंग नहीं है, चाइना का तो बिजनेस है इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, एसेट्स ले लेते हैं आपके, उनका तो ये काम ही नहीं है ना फंडिंग वाला मुझे लगता है सऊदीया हो गया, यूएस हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक जुमला जो पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि बहुत हद तक सही है जुमला, सच है, सही है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के मुंह से निकलना वाले जान बन गया नहीं तो बोला उसने गलत नहीं है, उन्होंने बोला सही है कि हम वाकई अपना अगर मवासना करें। अच्छा, आवाम को झिझोड़ दिया उसने, आवाम को झिझोड़ दिया, दूसरी बात ये इसी बात को लेकर इतना फसाद बर्पा हो गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ, एक हम सबको चाहिए, हम अपने एक रूम में, हर इंसान एक अपने रूम में
बिल्कुल कैद हो जाए, लाइट्स वगैरह ऑफ कर ले और एक घंटे के लिए सोचे इस जुमले के बारे में, तो आप सबके मुंह से निकलेगा कि हाँ ये ठीक है। एक घंटे तक सोचे, पूरी पूरी हिस्ट्री 75 इयर्स की हिस्ट्री निकाल लेना अपनी, 75 इयर्स की मजाक नहीं करे, 75 इयर्स की अपनी पूरी हिस्ट्री देखे, उस पर नजरसानी करे, उस पर गौर करे, पढ़े देखे, रिसर्च करे, उसके बाद मुआवजा करे कि क्या उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है। आपकी सही बात है कि मिनिस्टर होकर उन्होंने ये बात बोली तो बहुत वाले जान बन गई, लेकिन बोला गलत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि इन्होंने जैसे इमरान खान के बारे में दुनिया कहती है कटोरा खान, भीख मांगने वाला कटोरा खान, तो मुझे ऐसा भी कहीं लगता है क्योंकि शहबाज शरीफ तो जज्बाती हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इमरान खान को बोला कि बेगर आर नॉट बेगर्स कैंट बी चूज़र, तो मतलब ये बोलना मुझे बता दीजिए, ठीक है ना, तो वो इमरान खान को बोल रहे हैं कि बेगर आर कांट बी बेगर्स कांट बी चूज़र, हाँ फिर ये इमरान खान को बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं इमरान खान को कि बेगर्स कांट बी चूज़र, ठीक है तो अच्छा ना मजाक कर रहा था, अच्छा इमरान खान को बोल रहे हैं बेगर्स कांट बी चूज़र, तो दुनिया ने ये समझा कि ये पूरे पाकिस्तान को बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली ना वो तो कॉम तो अपने ऊपर ले गई, उन्होंने बोला आप सही कह रहे हैं इमरान खान को बोला होगा नीचे दिखाने के लिए, अच्छा वो जुमला ऐसा हो गया कि सबको फकीर बना दिया, लोगों ने समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इमरान खान को तंज करने के लिए कहा जैसे सभी करते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ इमरान खान को सब कहते हैं कटोरा खान, अच्छा मैं भी कहता हूँ आप भी कहती हो, फर्ज करो 10 लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान को तो कटोरा खान नहीं कह रहे ना, एग्जैक्टली, तो इन्होंने इनका कहना जो है वो पाकिस्तान में आ गया। अच्छा और एक और बात, ये बात बोली कब है, जब वो यूएस के सामने खड़े हो रहे थे, तो देखिए अभी इसमें भी हमारी जो है, अब इन्होंने ये बात बोल दी तो अब ये भी गलत होगा, इन्होंने भी कॉम को, अरे आपको जो आईना दिखाता है तो आपको बुरा लगता है, वो इंसान वो शख्स बुरा लगता है, आप कहते हो कि नहीं हमें डिग्रेड कर दिया, हमारी नफ्स को झिझोड़ दिया, हमें कमजोर्फ, अब उन्होंने तो कमजोर्फ तक बोल दिया, ठीक है ना, एक कमजोर फकीर तो बोला साथ में कमजोर्फ भी लगा दिया, मतलब उसने तो कांड भी चूज़र की इंतहा कर दी, शहबाज शरीफ ने सिर्फ कांड भी चूज़र कहा ना, कांड भी चूज़र कहा ना, यानी कि इनके पास चॉइस नहीं है, ठीक है ना, तो इसने तो कम जर्फ भी कह दिया कि आप तो लानत दे कह रहे हैं बैगर्स भी हैं और प्लस आप कम सही। अच्छा ऐसा हुआ है, मेरा इत्तेफाक हुआ है ऐसे फकीरों से मिलने का कि कभी कभी आपके पास चेंज नहीं हो, चिल्ड्रन ना हो, या आप उनसे बोलो नेक्स्ट टाइम दे दूंगी, तो आप जब आगे बढ़ते हो तो वाकई वो आपको बातें सुना रहे होते हैं, वाकई आपको मतलब दो चार बातें, अच्छा आप बोलते भी हो मैंने किस खाते में इससे बातें सुन ली यार, मैंने कुछ कहा भी नहीं, अच्छा अच्छा चेंज नहीं थे, एक को मैंने 10 रुपये दिए, गाली दी उसने, यकीन करें मैं एक्सप्रेशन से बता दूँ, मतलब 10 रुपये दो मुझे दो 10 रुपये दें, सॉरी अच्छा ये सॉरी मेरा मुन्ना बाद में टाइम मिलेगा, 10 रुपये जब लेके यूं कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10 रुपये कुछ भी नहीं। अच्छा देने के बाद जलील हो गए आप तो एक तरीके से, कि मतलब ना ही देने पे था 1000 की पत्ती रखते हैं इतनी दुआएं देता आपको। खैर दोस्तों हालात इस तरफ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं और अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो किस तरह हमें लेके जाती है और कराची में जो ब्लास्ट हुआ है इसकी भी जब परतें आस्ते आस्ते खुलेंगी, मतलब एक पार्टी ने ले तो लिया है लेकिन इनके मजीद खुलेंगी और चीज़ें और इसके ऊपर पाक आर्मी का रेंजर्स का क्या बनता है, किस तरीके से किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरीके से रिसर्च होती है, जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, दूसरी बात यह देखना है कि कहाँ जाती है। दूसरी बात ये मैं बस टेंशन में हूँ तभी बोल रही हूँ, दूसरी बात ये है मैं ये सोच रही हूँ बस उनके चाइना के प्राइम मिनिस्टर हमसे फिर से पैसे ना मांग रहे, गलत की बात, बहुत गलत बात है, दोबारा की जरूरत से मुलाकात हुई जब तक के लिए।